गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन चैनल। आई एम कृष्णा फ्रॉम है ना फ्रीडम क्लासेस मधेपुरा। आज जो है हम लोग ट्वेल्थ का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक मतलब जैसे चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या होते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रो। देखिए ये दो वर्ड से इसका कॉम्बिनेशन से बना है, और दूसरा है स्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवेश। दूसरा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब इन रेस्ट, रुका हो, यानी जब चार्ज रुका हुआ होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। यानी भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रो यानी चार्ज की बात हो गई, तो इसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग कुछ गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं सभी लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से पहले हम थोड़ा बात करते हैं एटम की, क्योंकि यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके, एटम के। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पहले हम लोग एटम की बात करते हैं। तो चलिए एटम के बारे में हम लोग जानते हैं। एटम के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे कि एटम क्या है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ऐसे पदार्थ क्या है, एटम कहलाते हैं। तो यानी एटम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मेनली देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सा है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, राइट, सेकेंड प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। म
मान लीजिए स्टूडेंट ये एक एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, हम लोग जानते हैं ये न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसमें से क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तो कहां पे रहता है, एटम के न्यूक्लियस में। बट इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है, ये चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। यहां पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन को इस एटम से ट्रांसफर करना इजी रहेगा? यस ऑब्वियसली, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालना पॉसिबल है? नो, इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड इन न्यूक्लियस देयर इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स विच इज बाउंडेड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उस न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बाउंडेड होता है जो है ना, इस न्यूक्लियस से निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। चलिए अब हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो एटम के, ये एटम के चारों ओर ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। कहां पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और ये ऑर्बिट क्या है कि जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पथ को ऑर्बिट कहते हैं, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, एंड इट इज ऑर्बिट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड by K L M N। So चलिए अब हम लोग ये इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। The ratio of charge and mass of an electron is called a specific charge. ये बहुत important line है, यानी द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, यानी चार्ज मतलब आवेश और मास मतलब द्रव्यमान, चार्ज और मास के अनुपात को हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, यानी ई बाय एम। स्पेसिफिक चार्ज मतलब ई बाय एम।
ये स्पेसिफिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसका जो डिस्कवर किया गया था वो जे.जे. थॉमसन के द्वारा किया गया था। स्पेसिफिक चार्ज जे.जे. थॉमसन THOMS ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय मिलिकन बाय वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया गया था मिलिकन के द्वारा किससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.1 × 10⁻³¹ के। ठीक है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 − 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, तो न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड के द्वारा बाय अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये बातें जितनी भी पॉइंट था ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रोटॉन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, प्रोटॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया था, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मास ऑफ सॉरी प्रोटॉन वाज discovered by Goldstein। तीसरा पॉइंट, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, +1.6 × 10⁻¹ कूलम। तीसरा सॉरी ये चार्ज हो गया ना, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना, मास ऑफ प्रोटॉन इज 6.1672 × 10⁻²⁷ kg।
ये प्रोटॉन का हो गया। चलिए हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन ये भी क्या है, ये न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, ये न्यूट्रल है, इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10^-24 kg mass of charge तो सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, तो चार्ज तो इसका जीरो होता है, जीरो, सॉरी मैंने मास समझा। अब मास के तहत मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10^-27 kg। यानी कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यदि मास की कंपैरिजन किया जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो एक नोट देके यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, ये आज जो जितनी भी बातें हमने की ये सारी बेसिक चीज है, ये हम लोग को जाननी चाहिए क्योंकि इसका यूज जो है फिजिक्स में है ना कहीं कहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे।